क्रिकेटर मोहसिन खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी भाभी ने उन पर आरोप लगाए कि उनके भैया ने, जो कि यूपी कांस्टेबल में सिपाही हैं और उनकी भाभी भी यूपी कांस्टेबल में सिपाही है, झूठ बोल के उनसे शादी की और मोहसिन ने उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की इस्लाम में और उनके भाई ने तो झूठ बोला ही। हालांकि इसमें कुछ लोग चाहते हैं कि मोहसिन खान के ऊपर तत्काल एक्शन ले बीसीसीआई और उनको बैन करे, लेकिन जाहिर सी बात है जब पुलिस में मामला चला जाता है तो बीसीसीआई ऐसे कोई एक्शन नहीं लेता जब तक वो क्रिकेटर गिल्टी साबित नहीं हो जाता। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहसिन की भाभी खुद यूपी पुलिस में थी, ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट का दावा है, और मोहसिन खान के भैया भी यूपी पुलिस में थे और वहीं पर दोनों में प्यार भी हुआ। अब ये भी हैरानी वाली बात है कि जब कोई पुलिस में होता है तो उसके यहाँ एक बिल्ला होता है जिस पर उसका नाम लिखा रहता है, और यहाँ पर असली नाम रहता है, यहाँ पर कोई गलत नाम नहीं लिख सकता क्योंकि वो सरकारी बिल्ला होता है, जेब में आईडी होती है, थाने में पूरा रिकॉर्ड होता है। अब जब अगर खुद पुलिस वाली होकर मोहसिन खान की भाभी को ये पता नहीं चला वो मुसलमान थे, तो ये तो अपने आप में एक हैरानी वाली बात है। और यही कारण है कि इस केस को जो लोग लव जिहाद के केसेस को उठाते हैं और लव जिहाद के केसेस को एक बताते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है, वो भी इस केस को उठा नहीं रहे हैं क्योंकि उनको भी सुनने में ये केस कहीं ना कहीं रियल नहीं लग रहा। उनको लग रहा है कि ये गृह कलेश है जिसमें धर्म बीच में लाया गया है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो खुद महिला सिपाही हैं उनका एक दूसरे पुरुष सिपाही से प्रेम प्रसंग है और उस पुरुष सिपाही ने अपनी पहचान ही छुपा ली हो, जबकि यहाँ पर बिल्ला लगा रहता है नाम का। और यही कारण है कि इस केस को हिंदी मीडिया ने भी ज़्यादा तूल नहीं दिया है, उन तमाम न्यूज़ वेबसाइट ने भी तूल नहीं दिया है जो इस तरह की खबरों को रिपोर्ट करती रहती है, यहाँ तक कि उन संगठनों ने भी इस विवाद को तूल नहीं दिया है जो इस तरह के केसेस में थाने में जाते हैं आरोपी को पकड़ के। देखने वाली बात होगी यूपी पुलिस की जांच में क्या सामने आता है, लेकिन फिलहाल तो ये मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।